विद्युत इंटेक मजदूर संघ ने एवीवीएनएल पर दिया धरना। अपनी मांगों को लेकर चेता रहे राज्य सरकार को। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस के एक संगठन के कर्मचारियों की नहीं सुन रही है सरकार। आज विद्युत इंटेक मजदूर संघ ने पंचशील स्थित एवीवीएनएल पर धरना प्रदर्शन देकर राज्य सरकार को अपनी मांगों को लेकर चेताया। इनका कहना है कि इंटेक मजदूर संघ कांग्रेस का एक संगठन है, लेकिन उसके बावजूद 9 महीने हो चुके हैं कांग्रेस की सरकार को बने हुए। सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, हमारी मांगों की तरफ सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इसलिए आज सरकार को बड़े आंदोलन के लिए जिताने के लिए ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें 11 जिलों के कर्मचारी धरना प्रदर्शन में उपस्थित थे। आज धरना प्रदर्शन लगाया गया है, क्या मांगे हैं? एक्चुअली हम इंटक संगठन से आते हैं। इंटक संगठन एक कांग्रेस गवर्नमेंट का समर्पित है, कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रति समर्पित है। फिर भी सरकार को, कांग्रेस गवर्नमेंट को बने आज साल भर को होने को आई, इंटक संगठन विद्युत इंटक को अभी तक वार्ता के लिए भी आमंत्रित नहीं कर रही। हमारे कर्मचारियों की लंबे समय से परेशानियाँ हैं, हम उन परेशानियों के लिए बहुत परेशान हैं और हमारी परेशानियों का आज तक सुलझाता नहीं किया जा रहा और कर्मचारी बिल्कुल ट्राइम ट्राइम कंडीशन में आ चुके हैं। इसलिए हमने 9 तारीख को एसी लेवल पर हमने हमारा ज्ञापन दिया था, 16 तारीख को मुख्य अभियंता लेवल पर ज्ञापन दिया था, आज हमारे MD लेवल पर हम ज्ञापन दे रहे हैं। फिर भी प्रशासन और सरकार नहीं जागती, हमें वार्ता पे नहीं बुलाती है, हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है। तो हम प्रदेश स्तर पर हमारा जो भी आगे से रणनीति तैयार करके जो भी डिसीजन लेना होगा, धरना करना है, हड़ताल करनी है, उसके लिए हम ले रहेंगे। और हम चाहते हैं सरकार, कांग्रेस की सरकार है, इंटक संगठन हमेशा कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है, जल्द से जल्द हमें हमारी मांगों के लिए, हमारे कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्दी से जल्दी बुलाए। इसीलिए हम हमारी कहां से आए हैं? ये 11 जिले से, अजमेर डिस्कॉम में 11 जिले आते हैं और एक प्रसार निगम है उसका संभाग आता है, अजमेर संभाग, उसके समस्त कर्मचारी यहाँ उपस्थित है। बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, नागौर, मेड़ता सिटी, उचामण सिटी, नावा सिटी, किशनगढ़, चार तरफ से समस्त कर्मचारी इकट्ठे हैं। आज हम कम से कम 1000 कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हैं और भविष्य, हमारी मांग जल्द पूरी नहीं की जाती है तो हम प्रदेश लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अभय सिंह, संयुक्त महामंत्री, प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन, राजस्थान।